पटना में घूम घूम के आपको दिखाने वाला हूँ कि पटना में अगर आप निकले हो या पटना में आए हो कहीं से दूर से या फिर किसी के रिलेटिव या पटना घूमने आए हो, बहुत दिन बाद आए हो, तो एक दिन में आप कितना कुछ घूम सकते हो और कहाँ कहाँ से घूमना चाहिए, क्या क्या घूमना चाहिए, वो बताते हैं हम आप लोग को। अब पहले नंबर पे जो मैं घूम रहा हूँ, पहला नंबर जो आपको दिखा रहा हूँ वो है मरीन ड्राइव। यार मरीन ड्राइव को क्यों दिखा रहा हूँ, इसका बताना मतलब इसको बता के नहीं पता चलेगा, इसको दिखा के ही पता चलेगा। एंड मरीन ड्राइव इज़ अ न्यू डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ पटना फॉर चिलिंग एंड हैंगिंग विद योर फ्रेंड्स, हैंगिंग विद योर फैमिली। इट्स सुपर्ब यार, इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं यार, एंड इसको सबके छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाऊंगा क्योंकि सबके डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो डिटेल वीडियो के लिए आप आई बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा एंड देख सकते हो हवा कितनी चल रही है। ऊपर तो कुछ ज़्यादा चल रही है तो नीचे आया हूँ, तो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये सब देख लो सैंड स्टोन पिचिंग है। तो ऐसा वाइब आता है ना जैसे हम लोग किसी बीच पे घूम रहे हैं, एंड बीच वाली वाइब तो है ही यार। पटना के में बीच के लिए समुद्र नहीं है पर गंगा जी तो है। ऐसे यहाँ पर गंगा जी इतना बगल में नहीं है लेकिन बाकी जगह ज़्यादा बगल में। तो चलो थोड़ा नीचे से देख के आते हैं। एंड देख सकते हो यार यहाँ पे चेपी सेतु एंड ये गंगा, कितना गंगा जी आ चुकी आगे तक है। यहाँ पे तो यहीं तक है क्योंकि शायद इस खेत वेत की वजह से, बट वहाँ पे जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे पूरा भर चुका है यार। तो भाई ये कुछ ऐसा सीन हो रहा है ब्रिज के नीचे, एंड ऊपर अभी मरीन ड्राइव तो पूरा बाकी है। तो चलो थोड़ा सा और दिखाते ऊपर से चल के यार। ऐसा इधर से वेदर हो रखा है एंड अभी शाम देख सकते हो माहौल पूरा सज गया है, जबकि शाम भी नहीं हो यार, अभी दिन के बजे 1:30 है। और संडे को अगर आप आओगे तो आपको पूरा दिन बिजी रहेगा, ऐसे तो रोज बिजी ही रहता है बट संडे को कुछ एक्स्ट्रा लेवल वाली भीड़ रहती है यहाँ पर। तो चलो यार यहाँ से चलते हैं। भाई देख सकते हो क्या व्यू है उस साइड, सब डूबा हुआ। लगता है कि आज पटना का मौसम ही बेईमान है, हर जगह कभी धूप कभी आंधी चल रही है। एंड अब पहुंच चुके हैं हम लोग अपने सेकंड डेस्टिनेशन पर यार। सेकंड डेस्टिनेशन जैसा मैंने कहा था कि हम लोग गोलघर आएंगे, एंड ये रहा गोलघर यार। एंड वापस गोलघर पे आ चुके हैं, एंड बहुत सारा काम अभी भी चल रहा है। न्यूज़ में आया था कुछ टाइम के कि नवंबर से शायद इधर चालू हो जाएगा जो ऊपर चढ़ने वाला सिस्टम है, एंड लेजर लाइट तो शायद इस महीने या अगले महीने से शुरू हो जाएगा, ऐसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कोट मी ऑन दैट। ये रहा अपना गोलघर, ये भी बहुत अच्छा एक पार्क है। 10 रुपये टिकट लगते हैं, एंड 10 रुपये का टिकट लेके आप आराम से यहाँ पे शांति से बैठ सकते हो, देख सकते हो अच्छा अच्छा पार्क है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आई बटन में जाओ। जितनी जगह आज मैं दिखा रहा हूँ सबको मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो उसकी डिटेल वीडियो के लिए आई बटन में जाएँ या डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मेरे चैनल जा कर ले यार। तो देखिए पिछली बार आया था तो ये सब नहीं बने हुए थे, ये सब लगता है अभी बने हैं। तो अच्छा है, काम तो चल रहा है प्रोग्रेस पे पर बड़ा धीरे चल रहा है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं एंड फिर इसके बाद थर्ड डेस्टिनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये इसके सामने ये पीपल का पेड़ है जो गोलघर के एकदम सामने है, एंड इधर बैठोगे तो थोड़ा सा ठंडी हवा मिलेगी। एंड बात करें तो देखो यार धूप आ रही है वहाँ पर, तो कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है, मौसम बड़ा माइल्ड सा हो रखा है, मज़ा ही है। धूप गर्मी बरसात सब मिलती है, बस भींग ना जाऊँ एंड कैमरा ना भींग जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। एंड भाई देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ गोलघर का सीन है, एंड यहाँ पे अच्छी खासी शाम बीत गई है, फिर से मौसम वैसे ही बादल बाला हो गया है, अब तो आदत हो गई है। एंड तो चलो यहाँ से चलते हैं, मस्त जगह है। गोलघर भी बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, आओगे इसके बारे में पता चलेगा।
तो वो बहुत अच्छा है, इसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना यहाँ पे आना। तो एंड मेरी जो फुल डिटेल वीडियो उसमें देखना, बताया मैंने उसके बारे में, गोलगप्पे के बारे में अच्छे से, एंड लेजर लाइफ जो भी है वगैरह उसके बारे में बताया। तो चलो यहाँ से चलते यार, और भी तो जगह जगह। एंड भाई गॉड एंड न्यू स्टाइल, देखो हेलमेट लटकाने का बहुत अच्छी जगह मिल गया मेरे को, एंड अब कैरी करते हुए घूम सकता हूँ, अच्छा लगा ना। तो बाय गोलगप्पे। तो भाई हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थर्ड डेस्टिनेशन जो कि है अपनी सभ्यता द्वार। तो चलो चलते हैं अंदर यार, एंड थोड़ा सा, एंड सभ्यता द्वार भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया गेट का पोर्ट्रेट किया हुआ है एक तरह से, एंड ये सारी चिल आउट वाली जगह है। टाइम अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो, एंड अकेले भी आओ यार, हर टाइम किसी को साथ में लेना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अकेले भी घूमना चाहिए। खैर आज मैं अकेला हूँ, देख सकते हो कोई नहीं है, कोई नहीं आज के ब्लॉग में, कोई नहीं है आज का ब्लॉग, अकेला शूट कर रहा हूँ। वैसे मैं झूठ कह रहा था मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आज सुबह में देख सकता हूँ, ये मेरा दोस्त है, आज ये पार्टनर बना हुआ मेरा, अकेले नहीं था यार, मजाक कर रहा था, लेकिन अकेला घूमना चाहिए। पहुँच गया यार सभ्यता द्वार, कहाँ गया यार, यहाँ पे ये रहा। एंड भाई जब यहाँ पे आता हूँ एक नई वाली वाइब आती है, जैसा मैंने अभी बोला। तो चलो चलते हैं अंदर और एक्सपीरियंस करते हैं। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि शाम लेकिन अलग मजा आता है यार। तो ये है यार सभ्यता द्वारा, देख सकते हो मेरे पीछे, एंड पटना का बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर वर्क है यार, एंड ये पोर्ट्रे करता है भाई अपना इंडिया गेट के स्टाइल को। मतलब पटना में भी एक गेट है ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा हिडन है, अगर आपको जगह जाननी है तो मैं बताता हूँ। अगर आप ज्ञान भवन आपने देखा हो, ज्ञान भवन वाले बिल्डिंग में साइड में एक गेट है सभ्यता द्वार, उसमें से एंटर करोगे यहाँ पहुँच जाओगे। प्रॉपर ब्लॉग बना रखा है मैंने इस पर, तो जाओ यार देखो यार, किस बात की वेट है, जिस भी जगह जा रहा हूँ सबका व्लॉग बना रहा हूँ, बना रखा मैंने पहले ही, तो देखना इसका। एंड हम लोग आपको दिखाई नहीं अभी छोटा सा ग्लिम्स। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग ही वाइब आती है जब भी आता हूँ तो। एंड लाइट वाइट इसमें देखो, अंधेरे में जब रात होता है ना तब इसमें लाइटिंग बहुत अच्छा हो, लेकिन इधर से दिखे मरीन ड्राइव सबको दिखेगा ये पूरा प्रॉपर। एंड यहाँ पे देख सकते हो गार्डनिंग वर्क कितना बन गया। चलो भाई विदा लेते हैं सभ्यता दौर से, इतनी सुंदर जगह से, एंड अब चलते हैं देखते हैं डेस्टिनेशन यार, कैसा लगा बताना, कमेंट वमेंट करके जाना यार। एंड भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं भाई गांधी मैदान पटना, बेशक गांधी मैदान पटना मैंने पिछले ब्लॉग में, हाँ बिहार दिवस में कवर किया था। एंड ये है गांधी मैदान, ये इतना फेमस जगह है, इतना फेमस मैदान है, मतलब गांधी मैदान समझ सकते यार, फुल्ली एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है पटना के बीचों बीच, एंड फ्री है ऑफकोर्स, जितना भी मैं बना रहा हूँ गोलगढ़ छोड़ के सब फ्री ही था। एंड देख सकते हो इतना बड़ा स्पेस है एंड खाली है यार। चलो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, इसको भी दिखाते हैं आपको ताकि नॉर्मल दिन में कैसा लगता है। ऐसे तो घास वास हमेशा रहती है, एंड ओपन थिएटर भी चलता था, शायद अभी बंद हो चुका है। एंड ये गांधी मैदान का थोड़ा पार्क वाला सेक्शन है जहाँ पे महात्मा गांधी की सबसे बड़ी स्टैचू है। सो ये जो स्टैचू है गांधी मैदान में, ये जो महात्मा गांधी का है, ये वाला जो स्टैचू है वो पूरी की पूरी ब्रॉन्ज की है, 72 फुट हाइट की है, एंड बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़ा स्टैचू। इसके बारे में पूरा डिटेल इधर लिखा हुआ है कि जो 40 फुट है वो मेमोरियल है, एंड जो 30 फुट है का जो हाइट है जो वो पेडेस्टल का मतलब उनका नीचे वाला पोर्शन का है, एंड बहुत ही बड़ा है यार, एंड बहुत अच्छा भी लगता है इधर आके, देख सकते हो तो अच्छी खासी हाइट पर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ इसके सामने। एंड ये भैया हमारे साथ भाई, ये लोग के लिए क्या करेंगे, अच्छे अच्छे जगह है सो सकते हो। एंड भाई इधर के जो बनावट है चारों तरफ से ऐसे ऐसे लाइट्स इस साइड एंड चारों तरफ से सीढ़ी, और एक पार्क टाइप रूप दिया गया है जो कि बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर लगता है यार। पूरे गांधी मैदान के कोने में है ये, कोना बोल सकते हो कि ये
गेट नंबर 1 से आओगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप आकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पड़ गया है। कितना भी जो पटना में जितना भी बड़ा बड़ा फंक्शन होता है लाइक दशहरा हो गया, ये हो गया, बहुत सारे फेयर हैं, वो सब लगते रहते हैं गांधी मैदान में, एंड लोग क्रिकेट खेलने भी आते हैं। मैं भी आता था, पर अभी बारिश है, अब उसके पहले धूप थी, ये सब मेरे दोस्तों के बहाने हैं यार, बाकी सब कुछ सही है। एंड भाई यहाँ पे गांधी मैदान की एक स्पेशल बात बताता हूँ, यहाँ पे है चलता है ओपन थिएटर जो कि चलता है सैटरडे एंड संडे को। पता नहीं कभी कभी मौसम के कारण बंद भी हो जाता है, फंक्शन के कारण बंद भी हो जाता है, लेकिन ये ओपन थिएटर सैटरडे संडे को हर मूवी दिखाता था। एंड ये जो देख सकते हो ये बड़े बड़े जो स्पीकर लगे हुए यार, बहुत ही बड़े हैं, मतलब पता नहीं चल रहा होगा शायद आपको, तो दिखाता हूँ बगल जाके। अरे यार कीचड़ एक तो बहुत है यहाँ पर। एंड ये देख सकते हो बड़े बड़े जो स्पीकर है यार, ये सभी इसके स्पीकर है, उधर भी स्पीकर है, एंड अभी स्क्रीन नहीं है, लगता है फिर से खोल दिया गया किसी रीजन से, लगता है इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन होता है उसमें खुल गया है, फिर लग जाए कोई नहीं। ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा गांधी मैदान कितना बड़ा है, एंड पूरा अभी भी लगता है कोई फंक्शन जो इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन था उसका पूरा बास बास जो है अटेंडमेंट वो हट रहा है। एंड इधर से अपना ये विश्वकुमार भवन, यार विश्वकुमार भवन सबसे सुंदर लगता है आप पटना की, अगर आपको पता तो पटना की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है विश्वकुमार भवन, एंड ये गांधी जी का स्कल्पचर यहाँ पे है। तो दिस इज गांधी मैदान, अगर आप पटना का विजिट करते हो तो यार गांधी मैदान आना मस्ट है, जरूर आइएगा, यहाँ की नींबू की चाय जरूर पीजिएगा। लेकिन पटना में जब भी ऐसे ऐसे स्पॉट पे आप जाओगे, गांधी मैदान, NIT घाट, तो वहाँ पे नींबू की चाय बहुत मिलती है, दूध की को छोड़ के जो अंदर में मिलती है, तो वो पीना चाहिए यार, उन लोग की भी वेल्थ बनेगी, आप लोग की भी हेल्थ बनेगी, तो मस्ट ट्राई। एंड दिस इज ऑल अबाउट गांधी मैदान यार, चलो यहाँ से चलते दिस डेस्टिनेशन। कैसा लगा बताते जाना। गांधी मैदान पे कोई स्पेशल ब्लॉग नहीं था यार, वो बिहार दिवस में बस कैप्चर किया था, बाकी सबका ब्लॉग बना रखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एनर्जी पार्क में, जो कि पटना का हिडन पार्क है कह सकते हो इसे, एंड बहुत ही सुंदर पार्क है यार, थोड़ा सा अंदर में पड़ता है तो इसको भी थोड़ा देखिए आप। एनर्जी पार्क की भी वाइब अलग है, मतलब जब भी एनर्जी पार्क आता हूँ मेरे कम ही आता हूँ, ज़्यादा आता नहीं, बहुत हिडन है या बहुत अंदर पड़ता है, थोड़ा सा रास्ते घूम घाम के आना पड़ता है, एंड रोड पे मेन रोड पे नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर पार्क है कह सकता हूँ। एंड इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, देख सकते हो, मज़ा आएगा उसमें। बहुत ही पीसफुल पार्क है एनर्जी पार्क, तो यहाँ पर हम लोग अभी आराम कर रहे हैं, ये देख सकते हो सुबह भी है हम दोनों, एंड यहाँ इसके बाद हम लोग लास्ट अपने डेस्टिनेशन जाएंगे और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना है ना, एंड इसको बहुत लोगों कहा था कि इसको लाओ तो लाया मैंने, पैसा लगता है, पैसा लेता यार, कोशिश कर लेता पड़ वीडियो अबाउट दिस एनर्जी पार्क यार। चलो अब दूसरे डेस्टिनेशन पर मिलते हैं। एंड लास्ट जो चीज़ है, लास्ट जो जगह है वो डेस्टिनी में लिस्ट में, तो वो है ये इस्कॉन टेम्पल पटना। अभी ये बंद है इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसे भी अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, मैं फोन से शूट करता, तो जन्माष्टमी है इसलिए इतना सजा हुआ है और बंद है। लास्ट अगर आपको कहीं आना हो यार तो इस्कॉन टेम्पल जरूर आइएगा, ये इस्कॉन टेम्पल पटना यार। एंड हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है, पटना की सबसे नई चीज़ है, अगर आप पटना है और इसे मिस करते हो तो बहुत अफसोस होगा आपको, तो ज़रूर घूमिएगा यार, अलग करने का मैंने कुछ कोशिश किया है। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा अपने सुझाव, अपने विचार, एंड जो भी अच्छा लगे और ऊपर से नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल नोटिफिकेशन दबाना, अगर आप लोग सब्सक्राइबर और बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो बेल नोटिफिकेशन दबा के जाओ यार, ताकि पता चले बहुत सारी वीडियो आने वाली है, बहुत टाइम पे आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, प्लानिंग है बहुत जल्दी आएगी। तब के लिए फिल्म से नेक्स्ट जगह।